अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, आज हम लोग जो है वो थ्योरम नंबर 6 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये शॉर्ट थ्योरम की कैटेगरी के अंदर लाइक करता है। तो इस थ्योरम के अंदर क्या चीज़ है और क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बेटा, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसका जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर एक ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से ट्रायंगल ए बी से हमने कंसिडर किया, इसकी जो अपोजिट दो साइड्स हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, मिसाल के तौर पर ए बी जो है और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो प्रूफ हमें क्या करना होगा कि जो उस उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी ए बी के अपोजिट एंगल सी जो बनेगा वो, और ए सी के अपोजिट जो एंगल बी बनेगा वो आपस में बराबर होंगे, हमें प्रूफ करना। अच्छा एक और चीज़ बेटा इसमें, ऑल दो इसके अंदर आइसोसेलस ट्रायंगल का वर्डिंग इस्तेमाल इसने नहीं किया, लेकिन जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो वहाँ पे मतलब ये होता है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलस होगा। सही, ये हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा सर, बराबर प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। अच्छा वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी सी के ऊपर, कहाँ से, मैं क्या करूँगा, ए से एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो बी सी के ऊपर आके 90 डिग्री का एंगल बना के, परपेंडिकुलर का आपको पता है उस लाइन को कहा जाता है जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा जब ये मैं बना लूँगा, देखो आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये भी है कि जब उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है थर्ड एंगल से, ठीक है, तो वो उस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर देता है, आधा कर देता है, ठीक है। यानी बी सी भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बी से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक ये हाफ हो जाएंगे, और एंगल ए जो बन रहा था असल में वो भी हाफ हो जाएगा। लेट से एंगल ए बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है, तो अगर लेट से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल वन कह दिया और इस वाले पार्ट को एंगल टू कह दिया, तो ये दोनों 30-30 हो जाएंगे। ये आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें अगर आप लोग और थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, एक ए डी बी है और एक ए डी सी है। अब इसमें मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ निकालनी है। अच्छा, उन सिमिलैरिटीज़ निकालने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। देखो कोई भी ट्रायंगल लेट से बेटा मैं लेता हूँ ना, अब हर ट्रायंगल के अंदर जो है आपको पता है कि तीन साइड्स होती हैं, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये वाली है, साइड साइड साइड। इसी तरीके से तीन एंगल्स होंगे, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल इस जगह बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एंगल एंगल एंड एंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर टोटल छः चीज़ें होती हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इन छह चीज़ों में से साइड और एंगल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिसमें दो साइड से एक एंगल आ रहा हो, या फिर एक साइड और दो एंगल आ रहे हो, ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल्स जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अगर हमें किसी दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटीज निकाल लें, ठीक है। मेरा फोकस आज इस पर है, साइड साइड एंगल, या इसको आप साइड एंगल साइड भी कहते हो। अगर मैं दो ट्रायंगल जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उनमें सिमिलैरिटीज निकाल लेता हूँ, तो बाकी जो तीन चीज़ें बचेंगी, यानी कि एक एंगल बच जाएगा, ठीक है, बल्कि दो एंगल्स बच जाएंगे और एक साइड बच जाएगी, ये तीन चीज़ें ऑटोमेटिकली बराबर आएंगी आपके पास, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें इसके प्रूफ में सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमें दी जा रही है कि इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, जो दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको दिखाए थे, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है वो है कि ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों ये चीज़ गिवन थी, आइए दोबारा डायग्राम में देखते हैं। देखिए ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट था क्योंकि सवाल में उसने कहा था कि टू साइड्स बराबर हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हमें एक सिमिलैरिटी मिल गई दोनों ट्रायंगल्स की साइड वाली, ठीक है। नंबर टू, एंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टू, क्यों, कंस्ट्रक्शन हमने की है और हुआ क्या, एज ए डी बाइसेक्स एंगल ए। ये जो एंगल वन और एंगल टू मैंने बनाए थे, ठीक है, ये एंगल वन और एंगल टू जो है ये बाइसेक्ट हुए, सॉरी एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वजह से, ए डी की वजह से हाफ हाफ हो गए एंगल्स। यानी 30 अगर ये है तो 30 ये है तो ये बराबर हो गए ना, इसलिए यहाँ पे कहा है कि एंगल वन एंगल टू के बराबर है। तो ए डी बी में और ए डी सी में एक दूसरी सिमिलैरिटी में मिलेगी, दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ एंगल, ठीक है। ये एंगल हो गया, पहली वाली साइड थी, दूसरा वाला एंगल, एंड द थर्ड वन इज ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, दैट मीन्स कॉमन। क्यों, देखिए जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ये ट्राइंगल ए डी सी की भी है और ए डी बी की भी है, दोनों की है ना, तो इसका मतलब अगर दोनों को ट्राइंगल को अलग अलग भी कर दूँ तो ये साइड तो दोनों में रहेगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉमन है दोनों में, तो कॉमन होने की वजह से जितनी लेंथ ए डी की यहाँ है उतनी ही यहाँ होगी, सीधी सी चीज़ें। तो एक थर्ड सिमिलैरिटी भी हमें यहाँ पे मिल गई, वो क्या थी, एक साइड हमें और मिल गई। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि किसी ट्राइंगल में साइड एंगल साइड दो एंगल्स
और उनके सॉरी दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, ये अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हम कर देते हैं तो बाकी तीन चीज़ें खुद ब खुद प्रूव हो जाएंगी कि वो बराबर होंगी, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? लिहाजा सेकंड पॉइंट में लिखा है देयर फोर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से? साइड एंगल, साइड पॉसिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब वो जो तीन चीज़ें मैंने प्रूव नहीं की हैं वो कौन सी हैं? ज़रा यहाँ पे देखो बेटा, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, एक सिमिलैरिटी। एंगल वन एंगल टू के कॉन्ग्रेंट है, दूसरी सिमिलैरिटी। ए डी कॉमन था, तीसरी सिमिलैरिटी। तो तीन चीज़ें जो मैंने अभी तक प्रूव नहीं की कौन कौन सी होंगी? एक होगा बी डी डी सी के बराबर है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बी डी जो है किसके बराबर होगा, किसके कॉन्ग्रेंट होगा? डी सी के। और ये जो एंगल बन रहा है डी पर, जैसे आप कहते हो ए डी बी एंड ए डी सी, ए डी बी ये कॉन्ग्रेंट होगा ए डी सी के, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल्स हैं दोनों। और तीसरी चीज़ क्या होगी? ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के। ये तीन चीज़ें खुद ब खुद हमें पता चलेंगी। ये जो लास्ट वाली चीज़ बेटा मैंने निकाली है ना, ये मेरा असल प्रूफ था जो मुझे प्रूफ करना था कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। दैट्स वाई इन तीनों चीज़ों की मदद से मुझे पता चल गया कि देयर फोर एंगल बी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। और क्या प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल है? बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से। एंड दैट्स इट, जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी वो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी। ओके जी, ये था थ्योरम नंबर सिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस थ्योरम से रिलेटेड या इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला किसी और थ्योरम के साथ आप लोग से मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब तक अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं दुआ भी अदर, ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।